रीवा कांग्रेस सेवादल व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने व प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या किए जाने के विरोध में गांधी प्रतिमा के समक्ष शनिवार को संजय गांधी अस्पताल के बाहर मौन धरना प्रदर्शन दिया गया। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय महासचिव लालजी मिश्रा ने कहा कि देश में प्रजातंत्र है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या किए जाने तथा संविधान की उपेक्षा किए जाने के विरोध में यह धरना दिया गया है। जिला अध्यक्ष ग्रामीण अजय तिवारी, शहर अध्यक्ष आनंद कुशवाहा, निशांत सिंह, शिवशंकर मिश्रा, प्रदीप कुल, पवन तिवारी, राजन तिवारी, सुनील तिवारी आदि इस धरने में शामिल रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए जिला कांग्रेस सेवा दल शहर और ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में रीवा जीएमएच हॉस्पिटल के गांधी जी की प्रतिमा के सामने ये आपके सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें सबसे प्रमुख बात है कि देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोगों को अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और बोलने के स्वतंत्रता होना ये मौलिक अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए वो इस तरीके से बात नहीं कहा, लेकिन फिर भी तानाशाही जो प्रवृत्ति चल रही है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रजातंत्र मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या की जा रही है। इस तरीके से आपके राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई और उनको नीचा दिखाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। हम सब लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में कि उनकी जो कांग्रेस की लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है गलत है, और हम लोग सब उनके समर्थन में अपने नेता की के निर्देशों के अनुसार ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे विरोध किस प्रकार से चलेगा, कब तक चलेगा? हमारा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, हम लोग सेवा दल के लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, और प्रजातंत्र में जो हमारा नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हमारे देश के नेता और लोकप्रिय, जिनकी लोकप्रियता को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पचा नहीं पा रही है, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मौन व्रत और धरना प्रदर्शन किया है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इस देश में बनी है, तब से तानाशाही रवैया, चाहे कोई भी सरकारी संस्थाएं हों, उनको जो उनके खिलाफ बोलता है, उनके विरोध में उनको खड़ा कर दिया जाता है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उनको भारत में अभूतपूर्व समर्थन मिला, उससे मोदी सरकार तिलमिला गई है, और दो साल तीन साल पुराने केस में उनको फंसा कर उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। यह एक घटना की पुनरावृत्ति है। ऐसे ही इंदिरा गांधी की सदस्यता को ख़त्म किया गया था और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की इतनी ज़बरदस्त लहर बनी कि विपक्षी पार्टियों को सफाया हो गया था। ठीक इसी तरह 2024 के चुनाव में भारत देश की जनता हमारे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समर्थन देकर पूर्ण रूप से बहुमत और इस निरंकुश शासक मोदी सरकार की सत्ता को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। हम लोग यहाँ पर राहुल गांधी जी के समर्थन में यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस सेवा दल के तीनों विंग के लोग यहाँ पर आकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायपालिका जो आदेश जारी की थी, क्या लगता है न्यायपालिका का ये सब आदेश है सरकार द्वारा ही सब किया जा रहा है? निश्चित रूप से हम न्यायपालिका के विरोध में नहीं हैं, ये न्यायपालिका के, लेकिन न्यायपालिका के लोगों को भी मोदी सरकार के द्वारा झूठे प्रलोभन देकर दबाया जा रहा है और मनमानी तरीके से उनके द्वारा काम कराया जा रहा है। इसके कई सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे आपको।